औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिन खदशात का हम पहले दिन से इजहार कर रहे थे हुकूमत पाकिस्तान से, वफाकी हुकूमत से, आज उसके असरात आना शुरू हो गए। और क्वेटा के जैद सेंटर के अंदर एक बेचारा जायर, एक बेचारा मोमिन जो ट्रेवल करके ईरान से आ रहा था, आज अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसकी बुनियादी वजह कोरोना वायरस नहीं है, उसको इशू ना बनाया जाए। ना वो मरीज था, ना कोरोना वायरस था, वो हार्ट का पेशेंट था। वो दम तोड़ता रहा, उसकी माएं बहनें फरियाद करती रही, दरवाजे पीटती रही, और लोग कुंडी लगाकर वहां से चले गए। इसी तरह अभी मेहड़ की एक फैमिली वहां बैठी है, वो बच्चे उनको दरवाजा बंद करके, छोटी बच्ची है, दरवाजा बंद करके चले गए। वो भूख और प्यास से दरवाजा पीट रहे हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं है। वफाकी हुकूमत सिवाय फंड जमा करने के लिए, सूबाई हुकूमत सिर्फ फंड जमा करने के लिए दुनिया के दौरे कर रही है, लोगों से इमदाद मांग रही है। लोग मर रहे हैं, मैं दुनिया से कह रहा हूं कि लोग मुतवज्जे हों, अमवात का सिलसिला शुरू हो रहा है। जहाज दिए जाएं, बाकायदा यहां पर सहूलतें दी जाएं। मैं आज भी कंटेनर सेंटर सक्कर में खड़ा हूं, लोग परेशान है, यहां भी अमवात होने वाली है। और मैं चैलेंज कर सकता हूं, जिन लोगों को डिक्लेयर किया जा रहा है ये कोरोना में मुब्तला है, मैं चैलेंज कर सकता हूं, ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। इनमें कोई कोरोना का सिम्टम्स नहीं है, बल्कि इनकी यहां रहने से कोई मरीज निकल आएगा, कोई मरीज बन जाएगा। इस वक्त भूखे है, ब्लड प्रेशर के मरीज है, ब्लड प्रेशर शूट किया हुआ है, हार्ट अटैक अभी एक आदमी को होते होते बचा, यहां पर उसकी सूरत हाल खराब है, सांस लेना दुश्वार हो गया उसका, और बहुत बुरी सूरत हाल है सक्कर के अंदर। वुजरा दौरा करके जा रहे हैं, कमिश्नर दौरा करके जा रहा है, कोई अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे साहब जो लोग क्वेटा से आ चुके हैं, इनको खाना दे दिया गया है अब तक। अभी जो लोग बाय रोड क्वेटा से आ रहे हैं, जो 24 घंटे से सफर कर रहे हैं, 24 घंटे बसों को उनकी जेल बना दिया गया है, ना उनको पानी दिया गया है, ना उनको कोई सहूलत दी गई है। बल्कि मैं वजीर आला से कहता हूं, अब वो सफर तुम्हारे सूबाए सिंध में कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं बच्चे, उन पर रहम करो, उन पर रहम करो, खुदा के वास्ते उन पर रहम करो। और मैं कहता हूं, अगर अब भी संजीदगी से इकदाम नहीं किया तो ये अमवात का सिलसिला बढ़ जाएगा। लेकिन ये कोरोना से नहीं मरेंगे, ये हुकूमतों की गफलतों से मरेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान, हम क्वेटा हॉस्पिटल, शेख जायद हॉस्पिटल में हैं। रात का ये बंदा सीरियस है, ये ऐसे लानती लोग हैं, ये कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, बंदे की आखिरी सांसें चल रही हैं, नहीं मालूम जिंदा है या नहीं है। ये लानती बिल्कुल नहीं खोल रहे दरवाज़ा, हम दरवाजे तोड़ रहे हैं इनके, ये दरवाजे नहीं खो चला रहे, हम ये दरवाजे तोड़ रहे हैं इनके, हम भाग रहे हैं, इन लानतियों ने हमको, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर चल रहे हैं शिया उलमा कौंसिल, मजहर अलवी साहब, मजहर अलवी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर ये चल रहा है ये सिस्टम।